चलावांगे इधर दिक्कत होगी। बाकी हमारी कोई सहायता करें। देखो जी, 6 महीने तक किसान अपनी फसल पर पूरा परिवार मेहनत दिन रात मेहनत कर रहा है और फसल उगा, क्योंकि फसल पे पूरे सपने रुके हुए हैं कि फसल बेच कर ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो फसल का रिजल्ट आया और जो किसान है इतना दर्द हो रहा है। दर्द के आँखों का पानी कौन सूख रहा मौका है। मैंने न्यू चिंता हो रही है, मैं घर परिवार का खर्च किस तरह चलाऊंगा। हाँ, जब मेरे से 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो लिए, रात खड़ी खेती बाहर लाग रहा है, मैं आड़ती पे तो पैसे ठहरिया हूँ, किस तरह तो मैं आड़ती के पैसे दूंगा, किस तरह मैं मेरा घर खर्च चलाऊंगा, तो सारी दिक्कतें दिक्कत है। किसान ने फसल को एक बच्चे की तरह मैं सारी समझूँ। हाँ बिल्कुल सर, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और किसी किसान की तरफ लिखाएं ताकि उनके बच्चों का गुजारा उसके। में गिरदौरी भी कोई पटवारी आया नहीं, कोई को नहीं आया, मैं गिरदौरी भी कोई लिख दो, मार तो कोई आया नहीं जनपद। तो आपके कितने किले हैं? मेरे तो 5 किले हैं। तो यहीं पर है पतली साइड में, उनमें भी नुए है। आप भी ट्रैक्टर चलाओगे? हाँ ट्रैक्टर चलावाए, बिल्कुल टोटली सारा टोटली गांव में ट्रैक्टर चलेगा, पूरा गांव में, पूरे गांव में टोटली किसी का नहीं है नहीं, पूरा गांव की फसल खराब हो रही है। गांव की फसल किसी का चलते नहीं, 5 जगह तो आज चलते नहीं गए ट्रैक्टर, आज 5 जगह तो आज चल रहा है ट्रैक्टर। हाँ जी, अगर ये नरमा 30 मिनट किले की होंगी हम क्यों ट्रैक्टर चलावांगे? ट्रैक्टर चला के कोई राजी को नहीं, मजबूरी है या अगर इवन अब तक हमने ये 18-20 मिनट किले की निकाल ली होंगी तो हम ट्रैक्टर क्यों चलाते? 15 मिनट और आगे भी आए कहा, अगर गांव में जगह जिस भाई का 10 मिनट 5 मिनट किले की नरमा निकला है तो ट्रैक्टर क्यों चलाओगे? कि मैंने खर्चा बीज किमें तो बोड़ेगा, लेकिन वो गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल जमा मैं ले खर्चा घर से ले लिया, कोई आगे सारे भी नहीं। हाँ ठीक है, खर्चा ट्रैक्टर का 2 बरिया 1 बरिया में जो होता है देख ले तड़े जी, 1 बरिया होता है, 2 बरिया रोटावेटर मारा है फिर बुआ होगा सर समय, हर जगह 4 हज़ार का खर्चा हो गया। ओ बकीरा बुआई बुआई, मतलब पूरा गांव की फसल खराब हो रही है। ईप दिखाए थे 5 जगह तो ईप ट्रैक्टर चल रहे हैं, रोटावेटर लाए गए, 1 तो सड़क के सहारे चल रहे, 2 तो सड़क के सहारे चल रहे और ऊपर थड़ी पर चल लग रही है, किसे काम में किसे का नू को नहीं, 2 मिनट फोवा लिख रहा है, चुगाई वाली भी कुंदा स्टैंडर्ड चुगाई वाली नहीं काटेगी, सही नहीं सही कुछ काटी के जुगर एक चोटी बज रही है उसमें काटी नहीं सकती, फ्री में कह रहा खेलेगी पार्टी चुगन खातर फ्री में, और फ्री में भी कुंदा आई कैसे निकालेगी, के करा निकाल के के होगा के करा काटेगी, निकालने वाली कैसे निकालेगी, अरे निकाल के इसका की इतना के मिलेगा, 2 किलो काटे 2 किलो में उसकी दिहाड़ी करनी पड़ती, उन्हें भी गरीब आदमी है उनकी कुछ दिहाड़ी पड़ा है, ये पड़ेगी उसको जो निकलन निकलन का हो तो इसमें है ही नहीं निकलने का, निकालेंगे के ये हमें भी दिखता है कि मैंने कि मैं खाद बीज मारा बोर्ड है, लेकिन बोर्ड की गुंजाइश ही नहीं तो करेंगे क्या, निकालने वाले क्या करें, निकलवाने वाला आप रोज अंदर जो रोज ट्रैक्टर चलते दिखेंगे आपने, ट्रैक्टर मजबूरी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है लटुआ राम। आप भी बाड़ी बो रहे हो? हाँ जी बो रहे हैं। कितने किले हैं? 5 किले। तो किसी और ही बाड़ी बड़ी से बड़ी जुगरिया खराब हो रही, आपकी भी खराब हो रही है? जब मेरी नहीं सारे गांव की, सारा गांव की खराब हो रही है। तो आप भी ट्रैक्टर चलाओगे? बिल्कुल। और क्या करेंगे, हाथे तो पाठे को नहीं तो बड़ कहीं डाला फसल पाली जावा, छाए भी नहीं दिन रात रुखाड़ करो, तो कितना दर्द हो रहा है? मजबूरी का नाम जो दर्द, दर्द इतना हो रहा है छाती पाट रही है, कोई तसली नहीं, मर गया जा बकिया, गवर्नमेंट कुछ भी कौन देख दी, हमको बीज अच्छा चाहिए और गवर्नमेंट की रिक्शा चाहिए। और उस बीज कंपनी के लिए क्या कहोगे, क्योंकि फसल जो बाड़ी तो हाइट अच्छी हो रही है, टिंडे भी लग रहे, लेकिन अंदर कीड़े हैं जो फसल अपना काम की नहीं, इसे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, बीज अच्छा 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 दो, स्प्रे अच्छा 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 दो, ये सारा नकली बीज बुझा रखे है, जब हमने आज तक कोई कीड़ा मालूम नहीं होया, ये टिंडा का भीतर कीड़ा किस तरह होया, ये बीज की कमी है और गवर्नमेंट की कमी है, जब कंपनी की क्षमा नहीं कर दे, अगर जो ये इंसान मर गया ये राज प्रधानमंत्री किसके ऊपर राज करेगा, अगर अन्न नहीं खाड़ ना पाया तो एक इंसान जीवे कु करेगा। और ताओ बड़ी बड़ी जो कंपनियां आ कर दी वो प्रोग्राम करा कर दी बाड़ी मां कहने की अच्छी फसल हो रही है, बलावा आंधी को नहीं, अब की बार नुगर मारी को जिम्मेवारी नहीं, ये प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं सारी कंपनियां को दे रहे हैं, ये सारा सौदा कंपनी में बिक गया तो इंसान आप मर गया, कहने की जरूरत नहीं, ये क्यों झूठ बोल रख, मैं इंसान को उपरंठ हूँ, ये इंसान को माटी में मिलावे से, जब हमारी पैदा होने से रहेगी के खावांगे, कह दिया 2000 रुपये दे दिए, 2000 का एक कुर्ता पजामा कौन बनता, खावा का के
और महंगाई इतनी बढ़ रही था, पेट्रोल डीजल है जो 100 के पार हो गया भाई। वो लावा भी किस चीज का जब हमारा पैदा नहीं होगी, पेट्रोल का कराएंगे क्या? वो चलावांगे क्या? मैं पेट्रोल मिलेगा कुकर से हमारा भाई? कोई आना ही नहीं होगा, बिना पैसा दो बड़ा चाह भी कौन धंधा उधार। और ताऊ जैसे किसान है ऊपर फसल किया इंतजार करेगा, बच्चों में फीस भरनी है कि मैंने उसके देने हैं उसका देना, जो भी कण हो फसल किसान को कि मैं फसल बेच के देऊंगा, आर्थिक देने जिसके भी देने हैं। लेकिन फसल है आज ताऊ देख भी रहे हो आप, फसल में क्या कुछ निकलेगा? फसल में कुछ नहीं निकलता जी, सारा डिपेंड मतलब जमींदार की फसल पर होता है, 6 महीने के उधार पर चलता है, उसके ऊपर आश्रय लगाए रखता है। लेकिन 6 महीने के बाद यह पोजिशन होगी तो किस तरह काम चलावा, किस तरह बच्चे फीस करा, किस तरह करके खर्चे चलाएगा। लेकिन आज किसान के पास जमींदार के पास सामने इतनी मुसीबत है, उसे झेलना मुश्किल है, उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते इसकी। बीटी नाम बोल रहे थे भाई, बढ़िया बीटी के जी, शुरू शुरू में बीटी चली, सपरा करने की जरूरत नहीं थी, लोगों का मतलब किसान का बहुत फायदा हुई, 30-30 मन 25-25 मन एकड़ की बढ़िया कपास निकली। लेकिन अब की बारी जो बीटी के नाम था, ये बीटी का नाम नाम है लेकिन इसके अंदर कोई बीटी की ताकत नहीं है टीके की, तो इसी वजह से जितने सपरे 6-7 सपरे भी कर लिए इसके अंदर और लेकिन कोई सपरा का प्रभाव नहीं है। इससे अच्छी तो जो लोकल बीज जो आकर दे वे भी 8 मन 7 मन 10 मन किले की एवरेज दे देते थे, लेकिन इसने तो वो भी नहीं छोड़े नहीं। इसके बाद में इसका जो टिंडा उस टाइम पाटेगा जब टिंडे में कोई दम होगा, अगर टिंडे में दम ही नहीं तो पाटेगा किस तरह? अंदर से टिंडा सारा लाल हो गया, खत्म हो गया, तो नीचे कपास होगी, कॉटन होगी और फाड़ मारेगी, टिंडा बिनोला पूरा होगा जब टिंडा पाटेगा। इसके अंदर बिनोला है ही नहीं तो ये सिकुड़ गया, नुकानू लाल हो गया, सिकुड़ गया सारा, इसके अंदर है नहीं कुछ। आप ये देखो करड़ा हो रहा टिंडा भी, करड़ा हो रहा, इसके अंदर है नहीं कुछ, सारा में कीड़ा आगे खत्म है, पाटेगा किस तरह? अगर इसके अंदर ये बिनोला बढ़िया होगा, बिनोला पूरा होगा, कपास पटेगी तो टिंडा खिलेगा, इसके अंदर बिनोला है नहीं तो टिंडा किस तरह पीछे गया? ये इतनी दुर्दशा है ये जमींदार की यार, टिंडा पहला न्यारा कर रखा है, फिर आगे किस तरह विश्वास होगा? आगे भी जो बीज खराब है इसका, इतनी मेहनत, विश्वास किसान के पास है ही क्या? विश्वास पे आधार चलता है, विश्वास विश्वास का हाथ होने लग रहा है। ये किसान ही ऐसी जो दुकान है जो बार बार विश्वास पे चलती है, लेकिन विश्वास इसके साथ ही विश्वास का हाथ होना होना शुरू हो रहा है, कोई आसार नहीं है किसान के आगे। इससे आस पास के गाँव गाँव में नहीं, आस पास के सभी गाँव में ये हालत है, खरक में है, सरसाना में है, ज्ञानपुरा में है, बेड़ेघरा में है, पनारी में है, लेकिन ज्ञानपुरा में आज तकरीबन 6-7 किसानों का ये ट्रैक्टर चलने लग रहे हैं, सबकी यही हालत है। 8-8, 10-10 फुट की 7-7 फुट की बाड़ी आइटलेरी है, टिंडे फूल हैं, लेकिन कोई टिंडे में अंदर कोई जुगाड़ की गुंजाइश नहीं है, 5 मिनट के लिए कपास भी हो जाता, लेकिन भाग्य आज किसान कोई भी राजी नहीं है, लेकिन मजबूरी है यार, अपने बच्चे की तरह इसमें खिचड़ा कर रहा है किसान, फसल पाली है और ये भी इसको बांधे हुए देख रहे हैं तो आत्मा बहुत रो रही है, लेकिन मजबूरी है, करें क्या।